भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र बीकेटी चौक पर गत 16 अप्रैल को दिन दहाड़े हुई 7 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी भिवाड़ी के साथलका गांव के दोनों सगे भाई बताए गए हैं। मामले के 4 आरोपी अभी फरार हैं। इस मामले के मुख्य सरगना विपुल ठुलिया हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला है, जिसे एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए कुछ हथियारों की खरीद के लिए पैसों की आवश्यकता थी, जिसके लिए विपुल ने अपना जाल फैलाते हुए भिवाड़ी संपर्क किया। संपर्क के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने नया गांव निवासी शुभम को निशाना बनाया और उसकी रैकी की। रैकी करते हुए विपुल ठुलिया ने भिवाड़ी में 15 तारीख को नांगलिया गांव में रणनीति तैयार की और 16 अप्रैल को करीब 11 बजे शुभम को बैंक जाते समय बीकेटी चौक पर रोककर हथियारों के बल पर 7 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार वारदात में प्रयोग पल्सर बाइक हरियाणा के महेंद्रगढ़ से लूटी गई थी। इस प्रकरण में 2 रोज बाद मुख्य सरगना विपुल ठुलिया ने रेवाड़ी में अपनी पुरानी रंजिश के चलते एक कपिल नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी। हत्या के बाद भी बोलेरो कार आदि की लूट भी की। बहरहाल अभी 2 आरोपी ओम प्रकाश और रोहताश निवासी साथलका को गिरफ्तार कर उनके हिस्से में आए 2 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस प्रकरण के खुलासे में भिवाड़ी के चौपान की थाने में तैनात स्पेशल टीम के मुरारी इरशाद योगेश और सुनील जांगड़ की मुख्य भूमिका रही। 16 अप्रैल को लूट की वारदात हुई थी, जिसमें मनी ट्रांसफर वाले व्यापारी थे, उनके साथ ही घटना हुई थी 7 लाख रुपए की। इस पर अभी इसकी लगातार पतारसी करके और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, ओम प्रकाश और रोहताश, जो वो भी मनी ट्रांसफर के बिजनेस में ही हैं, और उन लोगों ने रेखी करके कुछ बदमाशों को यहाँ बाहर से बुला करके और उनके साथ लूट की वारदात कराई थी। इसमें कुल 7 लोग लिप्त थे। वारदात को 3 लोगों ने अंजाम दिया, बाकी 4 लोग अन्य इनकी प्लानिंग में और उसमें हथियार उपलब्ध कराने में, वाहन लूटने में आदि में। ये विपुल ठोलिया नामक बदमाश है रेवाड़ी का, जिसको किसी से रंजिश थी, जिसका मर्डर करना था और जो उसने 18 तारीख को मर्डर किया घटना के 2 दिन बाद। उसके लिए हथियार खरीदने के लिए उसके पैसों की आवश्यकता थी, जिसकी बाबत इसने ये घटना को अंजाम दिया।